Hello friends, now we will talk about the topic stock taking. What do you mean by this word stock taking? Stock taking basically means physical counting of the stock. जब भी आप आपके गोडाउन में जितना भी स्टॉक रखा हुआ है, जब आप उसको फिजिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे काउंट करते हो, उसको हम बोलते हैं स्टॉक टेकिंग. दिस इज दिस वर्ड स्टॉक टेकिंग. अगेन वन मोर थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस इन्वेंट्री चैप्टर, जिसके बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ओके, नाउ इफ आई विल आस्क अबाउट क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कब कैलकुलेट होता है? तो क्लोजिंग स्टॉक इज बेसिकली कैलकुलेट ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर. से सपोज वी आर हैविंग आर ईयर एंड ऑन 31st March, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी कैलकुलेटेड ऑन 31st March ओनली. Now I want to ask ki is it necessary always that you know stock taking happens? Stock taking means physical counting. Physical counting happens on last date of the year only. So I would say no, it is not possible that stock taking will happen always on the last date. Stock taking may be happen before the last date of the year, or stock taking may happen after the last date of the year, but closing stock will be calculated on the last date. Closing stock तो last date का ही आएगा, मगर जो physical counting of the stock है वो हमारी last date से पहले भी हो सकती है, before भी हो सकती है, और हमारे closing stock last date के बाद stock taking can happen after that also. अब अगर closing stock लास्ट डेट पर आना है, बट अगर आपने स्टॉक टेकिंग को पहले ले लिया लास्ट डेट ऑफ द ईयर से, इसका एग्जांपल अगर हमने इसको 25th of March को ही ले लिया, दैट इज बिफोर, और या फिर हमने स्टॉक टेकिंग आफ्टर लिया, मतलब 5th of April को ले लिया, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक 31st March का कैलकुलेट करने के लिए स्टॉक के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे स्टॉक टेकिंग में टू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक. अब वो स्टॉक एडजस्टमेंट्स क्या होगा? तो आई कैन से अगर आपने 25th of March को स्टॉक टेकिंग ले लिया और उस टाइम फिजिकल काउंटिंग करके उसका वैल्यू निकाला 1 lakh rupees का, 1 lakh rupees का अगर आपने उस टाइम वैल्यू निकाला स्टॉक टेकिंग करके, तो नाउ आई वॉन्ट टू से 25th of March से 31st of March के बीच में जो भी आपने गुड्स परचेज करे, सेल्स करे, परचेज रिटर्न करा, सेल्स रिटर्न करा, गुड्स से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, आई वुड लाइक टू से उसको अगर हम एडलेस करेंगे तो हमारे पास हम क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो हमने स्टॉक टेकिंग करा 25th of March को और हमने स्टॉक टेकिंग का वैल्यू निकाला 1 lakh rupees. वंस यू गॉट दिस 1 lakh rupees, देन आई वुड लाइक टू से 25th of March से लेकर के 31st of March के बीच में अगर आपने परचेजेस करा किसी भी गुड्स का, तो आई वुड लाइक टू से वो इस स्टॉक टेकिंग के परचेज को आप ऐड कर दोगे. से सपोज हमने 50,000 का परचेज करा था, तो हम 50,000 उस परचेज को रुपीज को ऐड कर देंगे 1 lakh में. फिर अगर आपने कोई सेल्स करा, से सपोज इन बिटवीन 25th of March टू 31st March के बीच में हमने सेल्स करा रुपीज 80,000 का, तो हम उस सेल्स को लेस कर देंगे. और अगर आपके पास इस पीरियड के बिटवीन ही कोई परचेज रिटर्न आया 20,000 का, तो अगेन आई वुड लाइक टू से वो 20,000 को भी हम लेस कर देंगे. और अगर आपके पास कोई सेल्स हुआ था, जो आपने सेल्स कर दिया था और वो आपके सेल्स रिटर्न हुआ 30,000 का, तो आई वुड लाइक टू से उस 30,000 को हम वापस से ऐड कर देंगे. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी स्टॉक टेकिंग बिफोर होता है, तो वी हैव टू ऐड टू थिंग्स इन दैट एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट टू थिंग्स, अगेन टू थिंग्स इन दैट. व्हाट आर दे? सपोज स्टॉक टेकिंग इज डन बिफोर, तो जो भी परचेज और सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स होगा वो हमें ऐड करना है, और जो भी सेल्स और परचेज रिटर्न होगा वो हमें उसमें से लेस करना है. हमारे पास क्या होगा? हम क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March कैलकुलेट कर सकते हैं. से इन दिस एग्जांपल 1 lakh rupees का आपने स्टॉक टेकिंग करा 25th of March को. अब उसके बाद अगर आपने सपोज करो परचेज करा था
परचेज करा था 50,000 का, तो आप उसको वो ऐड कर रहे हो। अगर आपने सेल्स करा 80,000 का, तो आप उसको लेस कर दोगे। परचेज रिटर्न करा 20,000 का, तो उसको भी आप लेस कर दोगे। और जो सेल्स रिटर्न करा 30,000 का आप ऐड कर दोगे। तो आई बिलीव 1 लाख में, 1 लाख में जब आप ये एडलेस करने वाले हो, 1 लाख में जब आप ये एडलेस करने वाले हो, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा? 80,000। कितना आ जाएगा आपके पास ये? 80,000। आई बिलीव आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। बट नाउ द मेन पार्ट ओवर हेयर विल बी, ये जो आपने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करा 80,000, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न को एडजस्ट करके, ये 80,000 वाला आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। दिस 80,000 आंसर विल बी रॉन्ग। आप कोई बोलेगा सर ऐसा क्यों, ये 80,000 का आंसर हमारा रॉन्ग क्यों आ रहा है? तो आई वॉन्ट टू रिप्लाई ओवर हेयर, ये 80,000 का आंसर इसलिए रॉन्ग आ रहा है बिकॉज आई वॉन्ट टू से, ये जो आपने स्टॉक टेकिंग लिया था 1 लाख का, वो तो कॉस्ट पर था। ये जो आपने गुड्स परचेज लिया, वो भी कॉस्ट प्राइस पर था। ये जो आपने परचेज रिटर्न लिखा था 20,000 का, वो भी कॉस्ट प्राइस पर था। बट ये जो सेल्स था और ये जो सेल्स रिटर्न था, आई वुड लाइक टू से ये तो सेलिंग प्राइस पर है। तो अगर हमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेल्स एंड सेल्स रिटर्न फ्रॉम सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए जीपी रेशियो का। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं इसमें, से सपोज अगर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, किसे सपोज इन दिस इलस्ट्रेशन ओनली हमें जीपी रेशियो बताया गया, से सपोज 20% का। अगर जीपी रेशियो हमारे पास बताया गया 20% का, तो आई वुड टू से हमारे पास स्टॉक टेकिंग था, 1 लाख रुपीस। हम इसमें ऐड कर देंगे परचेजेस को और मैं बोल सकता हूं परचेजेस ऐड करते टाइम हम नेट परचेजेस भी निकाल सकते हैं। दैट इज हमारे पास परचेजेस कितना था? 50,000 और परचेज रिटर्न था 20,000। तो हमने नेट परचेजेस को ऐड कर दिया इसमें 30,000। देन आई वुड लाइक टू से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं नेट सेल्स को। नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट होगा? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, दैट इज 80,000 माइनस 30,000। बट ये जो आपने सेल्स नेट सेल्स निकाला, उसको हमें किस पे निकालना है? उसको हमें निकालना है एट सीपी कॉस्ट प्राइस पर। तो अगर उसको हमें कॉस्ट प्राइस पर निकालना है, तो 50,000 में से हमें 20% का ये जो जीपी रेशियो गिवन था, वो हमें से लेस कर देंगे। अज्यूमिंग दिस जीपी रेशियो, दिस जीपी रेशियो is on the last date. तो 50,000 minus 20% when you will do, तो I hope 40,000 की value आ जाएगी। और अब आप 1 lakh plus 30,000 minus 40,000 करोगे, तो आपके पास 90,000 का closing stock आ गया on 31st of March. I hope this is how स्टॉक टेकिंग works. ऐसे आपका स्टॉक टेकिंग। यस फ्रेंड्स, देर विल बी टू मोर एडजस्टमेंट्स फॉर कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर इन स्टॉक टेकिंग। दैट टू एडजस्टमेंट्स आर स्टॉक विद आउटसाइडर एंड सेकेंड स्टॉक ऑफ आउटसाइडर। स्टॉक विद आउटसाइडर मीन्स गुड्स विद कंसाइनी एंड सेकेंड स्टॉक ऑन अप्रूवल एक्सेट्रा। दिस इज कॉल्ड स्टॉक विद आउटसाइडर। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, तो जो स्टॉक टेकिंग आपके पास था, उस स्टॉक टेकिंग में जब आपने परचेज सेल्स परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न को एडजस्ट किया, तो भी आपके पास जो स्टॉक आया वो तो सिर्फ फिजिकल स्टॉक आया।
अब उस फिजिकल स्टॉक में दो एडजस्टमेंट्स और करने पड़ेंगे हमको अगर क्वेश्चन में गिवन होंगे तो, दैट इज स्टॉक विद आउटसाइडर एंड स्टॉक ऑफ आउटसाइडर। स्टॉक विद आउटसाइडर का मतलब कि कुछ गुड्स जो हमारे ओनरशिप पर हैं बट हमने किसी और को दे रखे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ, जैसे गुड्स हमने कंसाइनी को दे रखे हैं, तो आई कैन से हमारे स्टॉक टेकिंग, फिजिकल काउंटिंग में वो स्टॉक्स तो होंगे नहीं, क्योंकि फिजिकल काउंटिंग स्टॉक टेकिंग का तो मतलब होता है जो हमारे गोडाउन में स्टॉक है उसको काउंट करना। बट अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो क्लोजिंग स्टॉक में वो स्टॉक टेकिंग में जो भी स्टॉक विद आउटसाइडर होगा, जो भी मेरा ये स्टॉक विद आउटसाइडर होगा, जो भी मेरा कंसाइनी के पास गुड्स रखा हुआ होगा, उसे मुझे ऐड करना पड़ेगा। या मैंने कोई गुड्स को सेल ऑन अप्रूवल दे रखा है, किसी कस्टमर के पास मेरा वो गुड्स पड़ा है जिसने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है, तो उसको मुझे मेरा क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो स्टॉक विद आउटसाइडर विल बी ऑलवेज एडेड वाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक, एंड स्टॉक ऑफ आउटसाइडर इसका जस्ट अपोजिट, किसी बाहर वाले स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, किसी कस्टमर ने हमसे गुड्स खरीद लिए, बट नाउ ही हैज टेकन दैट, ही हैज टोल्ड अस दैट ये गुड्स का डिलीवरी आप मुझे बाद में देना, अप्रूवल हो चुका है, गुड्स का डिलीवरी बाद में देना है, तो आई वुड लाइक टू से स्टॉक ऑफ आउटसाइडर हमारे स्टॉक टेकिंग में आ चुका है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें लेस करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक ऑफ आउटसाइडर। हम कंसाइनी है, किसी कंसाइनर ने हमें गुड्स दे रखे हैं, तो हमारे गोडाउन के अंदर उसके गुड्स काउंट हो गए, तो वो गुड्स ऑफ कंसाइनर अगर हमारे पास है तो वो भी हमें लेस करना पड़ेगा। तो चाहे आप स्टॉक टेकिंग बिफोर करो, चाहे आप स्टॉक टेकिंग आफ्टर करो ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, स्टॉक विद आउटसाइडर हमेशा ऐड करना है और स्टॉक ऑफ आउटसाइडर हमेशा हमें लेस करना है टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एज ऑफ लास्ट डेट ऑफ द ईयर। ओके, तो ये तो बात करी हमने स्टॉक टेकिंग से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने की और सारे एडजस्टमेंट्स की। अब इसके इलस्ट्रेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे करना, बट उससे पहले कुछ बातों का और ध्यान देना है आपको, वो ये है कि क्वेश्चन में हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक पूछा है तो हम क्लोजिंग स्टॉक की तरह कैलकुलेशंस करेंगे, बट अगर क्वेश्चन में फिजिकल स्टॉक पूछा है तो आई वुड लाइक टू से ये जो दो एडजस्टमेंट अभी हमने देखे, स्टॉक विद आउटसाइडर और स्टॉक ऑफ आउटसाइडर, इसको हमें कुछ ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें तो फिजिकल स्टॉक निकालना है। तो फिजिकल स्टॉक का मतलब होता है सिर्फ जो हमारे गोडाउन में गुड्स थे उसमें परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो हमारे पास फिजिकली आ चुके हैं सिर्फ उसको निकालना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस हिसाब से हमें आंसर निकालने पड़ते हैं। बट अगर क्लोजिंग स्टॉक पूछा तो स्टॉक विद आउटसाइडर एंड स्टॉक ऑफ आउटसाइडर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। स्टॉक विद आउटसाइडर को हमेशा ऐड करना है और स्टॉक ऑफ आउटसाइडर को हमेशा लेस करना है। चलो, तो आई बिलीव स्टॉक टेकिंग का जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो आईसीआई मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 7th, 8th, 9th और हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।